दिन का ज्ञापन पड़ा है। मैंने सोचा ऐसी क्या मांगे रख रहे थे कि इनको देशद्रोही तक सुब्रमण्यम स्वामी नक्सली कह रहे, ऐसी कोई मांगे थी, अलग राष्ट्र बनाने की मांग रख रहे थे। तो मैंने ज्ञापन बहुत गहराई से पढ़ा कि कहीं दूसरा पाकिस्तान तो नहीं मांग लिया इन्होंने। क्या मांगा इन्होंने? इन्होंने मांगा कि जेंडर सेंसिटाइजेशन के लिए कमिटी होनी चाहिए कि जहां पे अगर महिलाओं के साथ कुछ छेड़छाड़ हो, सेक्सुअल हैरेसमेंट हो, तो एक कमिटी हो जिसमें कि एक इन बातों को रिजॉल्व किया जा सके, जिसमें कि पीड़ित को यह ना कहा जाए, पीड़िता को यह ना कहा जाए कि तू 6:30 बजे बाहर क्यों गई भाई, बाहर जाएगी तो ये होगा, ये ना कहा जाए। ये चाहते थे सीसीटीवी काम करे, ये चाहते थे कि जो सड़कें हैं अंधेरी सड़कें जहां पे कुछ लोग घूमते हैं और लड़कियों के साथ ये बदसलूकी करते हैं वहां पे लाइटें लग जाए। ये चाहते थे कि जो सुरक्षा का एटमोस्फियर होना चाहिए कैंपस में वो बना रहे, कि भेदभाव की नीतियां ना हो। वाइस चांसलर कहते हैं, और मैंने उनका बयान पढ़ा है, अखबारों में छपा है, कि महिलाएं अगर मांसाहारी खाना खाएंगी तो अशुद्ध हो जाएंगे। ये कौन सी मानसिकता है? मैंने आप कल का उनका बयान पढ़ा है कि सवाल ये होना चाहिए कि बलात्कार सिर्फ महिलाओं के साथ क्यों होता है। अरे वाइस चांसलर साहब, आप मुझे बता दो, महिलाओं के साथ बलात्कार इसलिए होता है क्योंकि आप उन मर्दों पे काबू नहीं कर पाते हो, इसलिए महिलाओं के साथ बलात्कार होता है। ये